Good morning everyone. Today we are going to start worksheet 3 of division. So its first question is divide. Divide 7982 by 11. अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो हमने पहले questions किए उसमें single digit होता था. यहाँ जो dividend था उसमें तो हम 4 digits तक पहुँच गए थे, but अब ये जो divisor है ये भी बिगर हो गया. ठीक है, इसमें 2 डिजिट्स हैं. अब 2 डिजिट्स वाले नंबर का टेबल आपको आना चाहिए. ठीक है बेटे, तब हम डिवाइड करेंगे. तो अब मैम ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, तो यहाँ आपने ध्यान से देखना है किस तरह से सॉल्व किया है. 7982 डिवाइडेड बाय 11. 7982 इज द डिविडेंड जिसको हमने डिवाइड करना है, एंड 11 इज द डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है, जिसका हमें टेबल रिसाइट करना है. अब जैसे 11 है, इसका टेबल तो हमें आता है, 15 तक टेबल्स आपको आते हैं और आने चाहिए. ठीक है, नहीं आते हैं तो लर्न कर लेने हैं अप टू 15. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और चीज का ध्यान रखना, जब बाहर 2 डिजिट्स हैं तो आपने सिंगल डिजिट को लेके नहीं चलना, अंदर भी आपने 2 डिजिट्स को लेके चलना है. ठीक है बेटा, अब 11 है तो आपने सिर्फ 7 को नहीं देखना कि 11 का टेबल 7 तक रिसाइट करोगे, नो. तो आपने अंदर भी 2 डिजिट्स लेके चलने हैं, 79. ओके, बाहर 2 डिजिट्स है तो अंदर भी आपने कितने डिजिट्स लेके चलना है, 2 डिजिट्स. तो 11 है, 11 का टेबल रिसाइट करोगे, 79 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 11 थ्री ज़ा 33, 11 फोर ज़ा 44, 11 फाइव ज़ा 55, 11 सिक्स ज़ा 66, 11 सेवन ज़ा 77, 11 एट ज़ा 88, 11 एट ज़ा 88 तो 79 से बिगर हो जाना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11 सेवन ज़ा 77, 8 का ज्यादा हो जाएगा 88, तो हमने किससे लिया, उससे स्मॉलर, या तो इसके इक्वल आना चाहिए या फिर इससे स्मॉलर. तो हम क्या लेंगे, 11 सेवन जा 77, क्योंकि 11 एट जा लेते तो 88 इससे ज्यादा हो जाना था. तो हमने लिया 11 सेवन जा 77. फिर से वही प्रोसेस रहेगा, 9 माइनस 7 2. ये मैम ने अंडरलाइन किया है, ये देखो बाहर 2 डिजिट्स हैं तो अंदर भी आपने कितने डिजिट्स लेने हैं, 2. इसलिए इसे आपको समझाने के लिए मैम ने अंडरलाइन किया है, पर आपने अपने दिमाग में रखना है कि 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स लेके चलो अंदर. ठीक है, कि यहां तक आपने टेबल रिसाइट करना है. 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0. अब किसकी टर्न है, ऊपर से आप लाओगे 8 को. ठीक है, फिर से 11 का टेबल रिसाइड करेंगे, 11 वन ज़ा 11, यहाँ पे फिंगर रख लेनी है 28 पे, इससे बढ़ना नहीं चाहिए. 11 टू ज़ा 22, 11 थ्री ज़ा 33, अब 3 ज़ा 33 तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 11 टू ज़ा 22. ओके, अगेन सब्ट्रैक्ट, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0. अब किसकी टर्न है नेक्स्ट, 2, 2 को नीचे ले आए हम लोग, अब बन गया 62. 62 के लिए 11 फाइव ज़ा 55, 11 सिक्स ज़ा 66, अब 66 इज ग्रेटर देन 62, 66 जो है वो 62 से बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 11 फाइव ज़ा 55, 12 माइनस 2 से 5 माइनस नहीं होंगे, ये कैरी लेगा, 12 माइनस 5 7, यहाँ 5 रह गए, 5 माइनस 5 0. तो हमारे पास कोशेंट आ रहा है 725 कोशेंट, एंड 7 इज द रिमाइंडर. ओके, इसी तरह से बी पार्ट है. अब इसमें भी आपको 12 का टेबल आता है, 2 डिजिट्स ले लिए, 6 नहीं लेके चलना है, हमने क्या लेना है, 62. 12 फाइव ज़ा 60, 12 सिक्स ज़ा 72 तो ज्यादा हो जाना था, तो हमने क्या ले लिया, 12 फाइव ज़ा 60. ओके, अब 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 6 0. अब नेक्स्ट डिजिट कौन सा आ रहा है, 8. सो 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, अब 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 12 टू ज़ा 24, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 2 0, नेक्स्ट डिजिट आ गया 7, अब ये क्या बन गया, 47. 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 48 तो ज्यादा हो गया, अब मुझे क्या लेना है, 12 थ्री ज़ा 36, अब माइनस किया, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, अब आगे कोई और डिजिट नहीं है,
तो मुझे ये क्वेश्चन यहीं पे रोकना होगा. तो 523 मेरे पास आ गया है क्वोशेंट एंड 11 इज द रिमाइंडर. ओके, थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट पे देखो, 6258 डिवाइडेड बाय 25. अब हमने कौन से टू डिजिट्स लिए, बाहर टू डिजिट्स हैं तो अंदर भी मुझे कितने डिजिट्स लेने हैं, टू. कौन कौन से, 62. अब 25 का टेबल तो मुझे आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, 25 वन्स आर 25 टूज़ आ, तो मैं उसके लिए यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई करके देख सकती हूँ. 25 टूज़ आ, 2 5s are 10, 2 2s are 4, +1 5 50, 25 2s are 50. तो 50 तो 62 से स्मॉलर है, तो मैं 3 से भी करके देख लूंगी. 25 3s are 3 5s are 15, 5 1 carry over, 3 2s are 6, +1 77 75. अब 75 तो 62 से ज्यादा हो गया, तो मैं इससे स्मॉलर वाला लूंगी जो है 50. 25 2s are 50. ओके, अब इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस. 2 minus 0 2, 6 minus 5 1, नेक्स्ट डिजिट 5 मैंने ऊपर से ले लिया. अब 125 आ गया मेरे पास. अब 125 में कहाँ ढूंढूंगी, 25 2s are 50, 25 3s are 75, 25 4s are, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 100. 25 5s are 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया, और 125 ही मुझे चाहिए था, तो किससे आया ये, 25 5s are 125. जब मैंने उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 125. सो 25 5s are 125, और माइनस किया तो तीनों जीरो आ गए. अब मेरे पास एक और डिजिट रहता है विच इज 8. अब 8 को मैं नीचे लेके आऊंगी. ठीक है, 8 नीचे ले आए हम लोग. अब 25 का टेबल तो रिसाइट करना पड़ेगा, पर 8 इज टू स्मॉलर देन 25. 8 तो बहुत छोटा है, जो 25 0s are 0, 25 1s are 25. इसके साथ तो 25 1s are 25 भी नहीं चल रहा, तो हम क्या लेंगे, 25 0s are 0. ओके, एंड 8 minus 0 is 8. सो 250 इज द क्वोशेंट एंड 8 इज द रिमाइंडर. अब देखो बेटा, कई बार होता है कितनी बार आप मल्टीप्लाई करते रहोगे. ठीक है, 25 का टेबल है, अगली बार हो सकता है 42 का टेबल आए, तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे. तो इसके लिए ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट आप इसके लिए मैम ने एक आपको और सिंपल सा ट्रिक बताया है जो अभी आपने समझना है ध्यान से. ठीक है, डी पार्ट में. अब डी में क्या है, 37 के टेबल में 37 से डिवाइड करना है हमें 9826 को. तो मैंने 98 ले लिया सबसे पहले. अब 37 का टेबल मुझे नहीं आता, तो उसके लिए मैम ने एक ट्रिक बनाई है कि 37 का टेबल मैं साइड पे लिख लूंगी. ओके बेटा, तो किस तरह से लिखना है आपको, 37 में 3 का टेबल आता है, 7 का आता है, तो पहले मैं 3 का टेबल भी लिख लूंगी नीचे और 7 का भी लिख लूंगी, फिर 3 और 7 की हेल्प से मुझे 37 का टेबल मिल जाएगा. ओके बेटा, तो क्या करेंगे, 3 का टेबल ये सारा लिख लिया, 7 का टेबल मैंने सारा लिख लिया, फिर 37 का टेबल कैसे बनाना है मुझे, जो 7 का टेबल है ना बेटा, सेकेंड वंस प्लेस वाला जो डिजिट है, वंस पे कौन है, 7. तो वंस प्लेस के डिजिट में जो वंस प्लेस पे आ रहा है, जैसे यहाँ क्या आ रहा है, 4 1 8 5 2 9 6 3 0, ये एज इट इज लिख दिया, 4 1 8 5 2 9 6 3 0, ये वैसे के वैसे लिख दिए वंस प्लेस में. और बाकी बचते हैं जो इसका टेंस प्लेस होगा और इस लाइन के जो भी नंबर होगा, उन दोनों को प्लस कर देना है. जैसे ये आ गया 6 plus 1 7, 9 plus 2 11, 12 plus 2 14, इस तरह से 7 plus 6 33. ठीक है, तो ये प्लस करके ये आ गया 37 का टेबल. 37 1s are 37 2s are 74, 37 3s are 111. तो ये मैंने 37 का टेबल यहाँ पे लिख दिया. अब इसकी हेल्प से मैं यहाँ इसको डिवाइड कर सकती हूँ. अब 37, 98 कहाँ है, 111 तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या यूज करूंगी मैं, 74, और ये कहाँ आया, 2 से. 37 2s are 74, माइनस किया, 224 आया, ऊपर से 2 ले लिया, और फिर 242 के लिए मुझे क्या ठीक लग रहा है,
59 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से 37, 6 ज़ा 22, 42 था ना ये, हाँ तो 222 इसके लिए लगा क्योंकि 259 फिर ज़्यादा हो जाना था। फिर जब हमने माइनस किया तो 0 और 4 माइनस 2 2, नेक्स्ट ले लिया हमने 6। अब 206 के लिए क्या है, 185, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आया 185 और माइनस करके 25, तो ये कोशेंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर। तो ये हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा है हम इसका टेबल भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे और फिर इसका बना लेंगे इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। वंस प्लेस एज इट इज, और जो इसका टेंस प्लेस रह गया और इसका जो भी नंबर होगा वो दोनों आपस में ऐड कर देने हैं, ओके बेटा। तो इस तरह से आपने ये ई पार्ट भी करना है और एफ पार्ट भी करना है, ठीक है, ओके। फिर से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, पर ये वाली चीज़ की आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और फिर मैम नेक्स्ट वीडियो में आपको और ये चीज़ क्लियर करेंगे, तब तक आपने ए टू एफ पार्ट्स, डी तक मैम ने करवा दी हैं आपको, ई और एफ आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने कर लेने हैं बेटा, अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी राइटिंग में, ओके। थैंक यू, टेक केयर।